अभी उन्होंने ये कहा कि आप वो एक किसान तो दिखा दो जिसको पैसा दिया हो। सरकार पैसा उनको खाना खिलाने के लिए दे रही है, ना कि आपके अपने पैसा अपने ऊपर लगाने के लिए दे रही है। भाजपा के सरकार में किसी किसान को लाठी नहीं पड़ी खाद के लिए, खालिस्तानियों का स्पष्ट रूप से इलाज होगा। तो किसान आंदोलन हुए तो वो किसान खालिस्तानी थे। ट्रीटमेंट के तीन पॉइंट बता दो आप, हम 10 बताएंगे, आप 3 बताओ। कि जरूरी नहीं कि बर्बाद होने के लिए शराब या जुए का सहारा लिया जाए, बीजेपी को वोट देके बर्बाद हो जाता है। शारदा और गोमती नदी के तट के बीच की धरा, वही धरा महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद जो उनके परिवार को शरण देती है, वही धरा जो नेपाल में युद्ध के समय नेपाल के एक राजा अपनी जान बचाने के लिए जिस धरा पर आकर शरण लेते हैं, वही धरा जहां भगवान कृष्ण के शिष्य और अर्जुन के मित्र राजा वेणु हुए, जहां जिसका नाम उसी की पीली दीवार होने की वजह से पीलीभीत पड़ता है। हम उसी पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में हैं और उसी पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के बीसलपुर में मौजूद हैं। बीसलपुर के बारे में ये कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय पर ताता टोपे यहाँ पर आए थे, और उसके इतिहास के बारे में ये भी कहा जाता है कि महाभारत की कुंती ने इसको बसाया था। लेकिन जब बात चुनाव की हो और 2024 का रण सज चुका हो तो उस समय पर यहाँ चुनाव को लेकर बात करना बड़ा ज़रूरी है। लगभग 4 दशक यहाँ मेनका गांधी परिवार का कब्जा रहा, लेकिन इस बार टिकट बदल चुका है और टिकट बीजेपी ने वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को दिया है। तो उसके बाद समीकरण कितने बदलते हैं, और अगर यहाँ मतदाताओं की बात की जाए तो लगभग 7.5 लाख मतदाता हैं, 5 लाख मुस्लिम हैं, कुर्मी 2.25 लाख के आसपास हैं, और उसके बाद ब्राह्मण लगभग 50,000 हैं, जाटप 75,000 हैं, और इसी तरह से ये सिलसिला है। लेकिन यहाँ एक तरफ जनता हमारे साथ है और दूसरी तरफ पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी हमारे साथ हैं। जनता के सवाल होंगे और सीधे उनसे जवाब भी लेंगे, और ये जानेंगे कि आखिर मूड यहाँ का क्या कहता है। जनता की नब्ज को पहचानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर 2024 के चुनाव के मुद्दे पीलीभीत में क्या कुछ हैं। 2024 का चुनाव, इस बार के मुद्दे क्या? मुद्दे विकास। विकास में बहुत सारी चीजें आती हैं। रोजगार। क्या यहाँ कोई कॉलेज नहीं है? कॉलेज है, लेकिन कॉलेजों की दशा देखी है, कहाँ कहीं टीचर नहीं है, कहीं व्यवस्था नहीं है, कॉलेजों की दशा बहुत खराब है। रोजगार को लेकर कैसी स्थिति? रोजगार कहाँ है, कहाँ रोजगार, बाहर लोग जाते हैं मजदूरी करने। चीनी कारखाने के लिए मशहूर है, बांसुरी के लिए पीलीभीत और ये सब उसके आसपास का क्षेत्र बड़ा मशहूर है, तो उसके बाद भी क्या रोजगार की कमी है और किस स्तर पर है और कैसी आपकी मांग? चीनी जब अच्छी स्थिति में होगी, जब सांड नहीं होंगे, पूरा दिन तो पूरा रात सांड रखाते हैं और वो गन्ना खा जाते हैं, गेहूँ खा जाते हैं, सांड रखाएं तो घर कोई दूसरा रखाएगा। अगर कि आवारा पशुओं की समस्या सबसे ज्यादा आवारा पशुओं की समस्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है। मैं बिजनौर से मेरठ से होते हुए इधर आ रहा हूँ, सबसे ज्यादा समस्या आवारा पशुओं को लेकर बताई गई जी। बहुत सारी समस्याएं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है। 2014 में जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय इनने कौन कौन से वादे किए थे? इनने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे और बेरोजगारों के लिए रोजगार देंगे और जो शिक्षित युवा है उनके लिए नौकरियां देंगे। तो मोदी जी का जो वादे किए थे वो बात जनता जान चुकी है। टोटल जितने भी वादे थे खोखले निकल चुके हैं, और इस बार जनता गठबंधन के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए तैयार है। सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे हैं रोजगार नहीं है, शिक्षा का स्तर एकदम खराब है, आवारा पशुओं को लेकर किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। अभी जो लोग कह रहे हैं कि आवारा पशु और शिक्षा को बात लेकर जो बात उठ रही है, पहले तो एक बात बता दूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, जब हम जो है देश से जो है आतंकियों से मुक्त कराने की जब बात करते हैं, ठीक उसी तरीके से जो जानवर जो बोल नहीं सकता है उसके लिए भी कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने जो है मुहिम उठाई और उनको जो है एक उनका बड़ा सीधा सा सवाल था कि चीनी तब बनेगी या चीनी मिल तब अच्छे से चलेगा जब गन्ना बचेगा,
और आवारा पशु की वजह से गन्ना बच ही नहीं रहा है कि या तो किसान खेतों को जाकर रखा ले या अपना घर। देखिए वो आवारा पशु किसी ऐसा नहीं है कि कोई दैवीय शक्ति से पैदा हुए हों, आवारा पशु भी वो उन्हीं किसानों के हैं जिन किसानों ने उनको छोड़ दिया और जिस कारण से, क्योंकि आज क्या है कि जब किसी पे बैन लगता है किसी चीज़ पे तो आदमी उस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं यूज करने से बचता है, लेकिन जब सरकार ने इस तरीके की जब स्वतंत्रता दे दी कि जो है आवारा पशु का कट मतलब बद नहीं होगा, है ना, आवारा पशु कोई पकड़ेगा नहीं, क्या है कि हर तो लेकिन उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था देना बड़ा ज़रूरी है कि अगर वध नहीं होगा या उसको बेचा नहीं जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं, तो उसके लिए सरकार की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था क्या? सरकार की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्थाएं कई तमाम तरीके की जो है गौशालाएँ बनाई गई, पाँच पाँच गौशाला का जो है व्यवधान दिया गया, हर गाँव में हर व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति पाँच गाय अगर लेता है तो उसके घर पर ही जो है गौशाला बन सकती है, लेकिन लोगों ने जो है गाय का पैसा भी खाने का काम किया। मैं कहता हूँ कि आप गांव में जाके देखिए जिन लोगों ने गाय की जो है गौशाला के लिए पैसा लिया है स्वयं वही लोग जो है अपनी गाय खुद छोड़ रहे हैं। जब एक इसी का जवाब ले रहा हूं, वो कह रहे हैं कि अगर पैसा हमें आपके पास आऊंगा मैं, वो कह रहे हैं कि अगर पैसा दिया गया तो फिर किसान छोड़ क्यों रहा है? जी एक तो कोई ऐसा ले आओ जो बताए कि मुझे पैसा मिला है, 900 रुपए गाय देने वाला कोई मिलने वाला ऐसा कोई व्यक्ति हो कि मुझे मिला है, पब्लिक में कोई बता दो कोई मिला हो। गाय पे पैसा देने वाली बात खोखली थी, ठीक है, गाय पर पैसा देने वाली बात खोखली है। गाय का जो पैसा दिया जा रहा है हमारे गांव में तो कोई है नहीं, और जिनका दिया भी जा रहा है उनके कार्रवाई की जाए, पैसा लेकर वो आप गांव को छोड़ रहे हैं। लेकिन सरकार ये भी कह रही कि बहुत सारी गौशालाएं बनवा दी गई हैं, गौशाला वाले खुद पैसा लेते हैं, पैसा लेके गाँव को छोड़ के जाओ, यहाँ एक एक करके ही बात करेंगे, क्योंकि ये माइक जिसके पास होगा उसी की आवाज अच्छे से कैच होगी, सब एक साथ बोलेंगे तो फिर कैमरा कुछ नहीं बात पकड़ पाएगा ना, तो इसलिए एक एक करके बात। गौशालाओं को लेकर जो आप गौशाला वाले पैसा खोल लेते हैं, वो कहते पैसे दो तब गाय रखेंगे अंदर, हमारे पास खिलाने के लिए चारा नहीं है, खिलाने के लिए चारा नहीं है। और उन्होंने कहा कि कौन से वो किसान है जिनको सरकार पैसा दे रही है, आप दिखा दीजिए दो चार किसान, वो कह रहे हमारे गांव में कोई भी नहीं है ऐसा। देखिए आज का युग आधुनिक युग है, पुराना युग नहीं है कि आज आपने कोई काम किया और तीन दिन या चार दिन बाद जो है पेपर में छप रहा है फिर आप पढ़ रहे हो। आज अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपके जो है इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल में तुरंत की तुरंत दिखता है, और जिन किसान भाइयों को भी पैसा मिला है सरकार के पास जो है हर किसी का रिकॉर्ड है। और जो लोग कह रहे हैं कि गाय को पैसा नहीं मिला है, गाय के जो है जो स्वामी है, आप देखिए हर गाय जिस गाय पे पैसा मिला है उसके कान पर जो है टैग लगा हुआ है, उस टैग पे जो है जिन किसानों को सरकार ने पैसा दिया, हाँ मैं आ रहा हूँ, जिन किसानों को सरकार ने पैसा दिया गाय को लेकर, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अगर उन्होंने फिर भी छोड़ दिए तो? कार्रवाई अब देखिए ना, जब सरकार के पास अब ये बात पहुंची है, जैसे कि ये लोग जो बात कह रहे हैं, हमारे यहाँ भी सरकार ने जो है बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं को भेजकर एक एक व्यक्ति से ये मालूम करने की कोशिश की कि आखिरकार आपके क्या समस्या है, तो वहाँ पे भी लोगों ने बस यही बात बताई कि आवारा पशु की समस्या है। लेकिन क्या है कि सरकार ने जिस तरीके से पैसा निस्वार्थ होकर, जो कि पहले की सरकारें जो पैसा देती थी कांग्रेस सरकार, अगर लोगों ने आपको ये बताया बूथ स्तर पर कार्यकर्ता पहुंचे और उनको ये पता लगा कि आवारा पशु की समस्या सबसे ज्यादा है, तो उसके बाद क्या समाधान किया सरकार ने? उसका देखिए समाधान सरकार तो जब हमारी 2024 में अभी पुनः बनेगी और जब हमारी प्रदेश में सरकार चल रही है ना, जब प्रदेश में सरकार चल रही है ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यही बात उठाई है कि हमने जो पैसा दिया है, जिन लोगों ने पैसा खाया है, जो लोग पैसा लेके गाय को जो है मतलब आवारा पशु बनाकर छोड़ रहे हैं, उनके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार पैसा उनको खाना खिलाने के लिए दे रही है, ना कि आपके अपने पैसा अपने ऊपर लगाने के लिए दे रही है। सरकार बनेगी, लौटूंगा हाँ आपके पास भी आऊंगा, वो कह रहे हैं कि सरकार फिर से बनेगी तो कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से निरंतर चल रही है, और जो व्यवस्था देने का काम होता है, चाहे वो गाय की व्यवस्था हो, चाहे किसानों की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था हो, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, यहाँ किसान नौजवान बहुत संख्या में लोग खड़े हुए हैं और सही मायने में सरकार से सताए हुए लोग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की खोखली बातों में ये आने वाले नहीं है, जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देंगे और समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है गठबंधन जीतेगा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।
100% जीतेगा। शिक्षा को लेके जो बात हो रही है या जो बात कही जा रही है कि भाजपा सरकार ने या भाजपा के सारे वादे खोखले हैं, उखाड़ फेंकेंगे, ये सब चीज़ें जो हैं व्यर्थ की बातें हैं। हर आदमी जान रहा है विश्व के मानचित्र पे किस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री का कद किस तरीके से बड़ा है। जब यूक्रेन और किसानों को गाय का पैसा नहीं मिल रहा, आवारा पशुओं से परेशान है, पैसा मिल रहा है, ये सब एक एक करके बात जो है खोखले वादे जो हम लोगों के लिए कहे जा रहे हैं, लोग लेने के बाद अगर उस चीज को अगर ये कह दें कि नहीं मिल रहा है तो ये गलत है। क्योंकि जब हमारी सरकार जब जो है निस्वार्थ होकर कोरोना के समय में वैक्सीन दे सकती है, वो तो ये भी कह रहे हैं ना, वो तो ये भी कह रहे हैं। एक मिनट भैया एक एक करके बात करेंगे। हाँ आऊंगा भैया, आऊंगा। देखिए अभी उन्होंने ये कहा कि आप वो एक किसान तो दिखा दो जिसको पैसा दिया हो। जिस बंदे ने ये बात कही है क्या आप उससे मालूम करी क्या उनके पास गाय पाल रहे हैं या गाय बांध रहे हैं? वो अगर वो खुद अगर इसके लाभार्थी हैं तभी तो उनको पैसा मिलेगा ना, क्योंकि सरकार जो है लाभार्थियों को पैसा दे रही है। जो आंकड़ा आप दे रहे हैं जो आंकड़ा आप दे रहे हैं कि हमने तमाम किसानों को पैसा दिया, तो क्या उनमें से एक भी किसान आप दिखा देंगे? उनका ये कहना है ऐसा, हम आज आपके जो है बीसलपुर के 12 पत्थर पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना। आप गांव में चलिए, हम आपको एक नहीं हजार किसान दिखा देंगे जिनको पैसा मिल रहा है ना। बाकी विकास की बात तो ऐसी रही कि आप बीसलपुर जैसी जगह में आज़ादी के बाद से लेके आज तक यहाँ पर कोई भी आप देखिए, कभी भी किसी भी जितने भी प्रधानमंत्री बने किन्हीं लोगों ने भी जो है छोटी छोटी जगहों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे बीसलपुर की धरती पे जो छोटी ट्रेन चलती थी आज की तारीख में विद्युतीकरण होकर जो है बड़ी रेल लाइन हुई है, जो किसके कार्यकाल में हुई है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। मैं इसी सवाल पर लौटूंगा। हाँ, उनका कहना है कि विकास हुआ, छोटी लाइन बड़ी कर दी गई भारतीय। भैया हाँ एक मिनट नहीं, देखो जयकारा आप भी समझाइए, जयकारा कोई ना लगाए। भारतीय जनता पार्टी से पहले मनमोहन सिंह की सरकार में बड़ी लाइन हो गई थी, लेकिन कार्यकाल किसका उसमें हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो सकती है। और जहाँ पे बात आती गाय की आती है, पैसा देने की बात आती है, जो टैग लगी हुई है गाय, जिनके कानों पे टैग लगे हुए हैं, वो सही मायने में जो बैंकों से लोन लेते हैं उनकी गाय है, उनका कर्जा भी नहीं निपट पा रहा। और मैं दूसरी बात करता हूँ, जहाँ किसानों की बात आती है, इस 2014 से पहले जितने गेहूं में या जितने गन्ने में जितना लीटर डीजल मिलता था, क्या आज वो मिल रहा है उतने में? मैं मात्रा की बात करता हूँ, जितने गेहूं में या जितने गन्ने के जितना मिल रहा था, क्या उतना मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब और किसान मरता जा रहा है। और खाद की वो ये लोग इतनी चोरी कर ली है कि पहले खाद की बोरी में 50 किलो सबसे ज्यादा ये कहा गया। मैं खाद आती थी, आज उसमें 45 किलो कर। आपकी बात आ गई है, आप ही का सवाल ले रहा हूँ मैं, है ना। किसानों की ये सबसे ज्यादा समस्या रही कि बीज और खाद मिलने में सबसे ज्यादा समस्या आई। किसी भी देखा हमने भी देखा है, भाजपा के सरकार में किसी किसान को लाठी नहीं पड़ी खाद के लिए। प्रत्येक किसान को 3,000 रुपए भाई साहब, खालिस्तानियों का इलाज होगा। स्पष्ट रूप से समझ के चल लीजिए, खालिस्तानियों का स्पष्ट रूप से इलाज होगा। अगर कोई भी देश, एक मिनट तो किसान आंदोलन हुए तो वो किसान खालिस्तानी थे भाई साहब? देखिए, पहला वाला जो किसान आंदोलन हुआ उसका कोई एजेंडा किसी प्रकार से नहीं था, उसको स्पष्ट रूप से आपको भी समझ के चलना पड़ेगा। वो मूछ और पूछ की लड़ाई थी, उसमें कोई किसी को क्या आपको या यहाँ जितने खड़े हुए लोग उसको अमेंडमेंट में कोई भी नहीं पता था कि उस अमेंडमेंट में आखिर है क्या। लेकिन साहब किसान आंदोलन, अगर कोई विपक्ष पार्टी यहाँ खड़ा हुआ है और उसके केवल 10 पॉइंट बता दे, आप जो कहेंगे मैं इसको यहाँ डिबेट अभी छोड़ के चला जाऊँ। रुक जाइए भाई साहब एक मिनट, पहले मेरी बात है। हाँ तो आप रुक जाइए, पहले मैं स्पष्ट पहले मेरी पूरी बात हो जाए। दूसरा किसान आंदोलन में एक बार समझ के चल लीजिए, उसकी हवा शुरुआत में ही निकल गई, उसके लिए ना तो साथ में पब्लिक सपोर्ट थी, वो केवल आप द्वारा प्रायोजित सरकार के द्वारा वो आंदोलन चलाया गया था, उसमें किसी प्रकार से जनता का कोई सपोर्ट किसी प्रकार से नहीं था। अगर जनता का सपोर्ट होता तो भाई साहब क्यों नहीं आ गए वो उससे वापस? वहां से क्या 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 MSP मिलेगा? MSP बिल्कुल मिलेगा। मेरी बात सुनिए, उस अमेंडमेंट के 3 पॉइंट बता दो आप, हम 10 बताएंगे, आप 3 बताओ। आप पहले MSP पे आओ, आप एक मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ, MSP पे आते हैं। MSP पे आप एक बात समझ के, आप क्या चाहते हो कि 2,000 रुपए मेरा चाहे सड़ा गला कैसा भी गेहूं हो तुल जाए? ये कौन सी बात होती है? आप अपना लेके जाइए, प्रारूप है बना हुआ, उस प्रारूप के हिसाब से काम करिए। कोई भी देश 2 चीजों से चलता है, पहला सुरक्षा और व्यापार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है उस दिन से व्यापार में दिन ब दिन बढ़ोतरी हुई है, और
सुरक्षा के मामले में यही वो दिन और यही वो बीसलपुर है भाई साहब, जो ईदगाह चौराहे पर लोग लुट जाते थे, झापड़ लोग मार देते थे और कोई उनसे कहने वाला नहीं होता था, एक रिक्शा वाला उतर के चीजें छीन लेता था। मैं भाई साहब ने जो पूछा था कि एमएसपी एक एक करके अमेंडमेंट बिल के चक्कर में जिसमें कि गोली लाठी की बात कर रहे हो आप, किसानों को आतंकवादी की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है, उनमें एमएसपी का बे अनलिमिटेड गोडाउन का और स्टैंडर्ड क्रॉपिंग का, इन सबके प्रावधान थे उसमें, जिसमें कि किसान बर्बाद हो जाएगा, पूंजीपति और बड़े पूंजीपति बन जाएंगे। और दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि बर्बाद होने के लिए शराब या जुए का सहारा लिया जाए, बीजेपी को वोट देके भी बर्बाद हुआ जा सकता है। अब मेरी बात सुनिए भाई साहब, देखिए एक चीज़ समझ के चलिए, मैंने आपसे क्या बोला आपसे कि दो चीज़ें किसी भी देश को, जब देश बढ़ेगा, देश में अकेला मैं नहीं रहता, अकेला सपा नहीं रहती, अकेला बसपा नहीं रहती, सब रहते हैं इस देश में, सभी रहते हैं, जब देश का विकास होगा तो प्रत्येक व्यक्ति का भी विकास होगा, इसको मान के चलना पड़ेगा। यही वो बीसलपुर है जिसको छोटी लाइन, यहाँ से हमको जाने के लिए हमको कई कई घंटे लगते थे। देखिए छोटी लाइन को लेकर मैंने सवाल कर लिया, अभी बात किसान आंदोलन को चल रहा है, किसान आपके पास, पहले इनकी बात सुन लूं मैं, फिर आपके पास। अब आते हैं किसान पे, उस पर आते हैं। देखिए ऐसा ना कि जो भी पहले सरकार कानून लेके आई थी उस कानून को धरातल पे लेके ही नहीं आने दिया गया, क्यों? क्योंकि पूंछ और मूंछ साहब ऐसे मूंछ खड़ी कर ली उन्होंने। और साहब आपको लगता है कि अनलिमिटेड जो बात कही गई थी कि स्टोर हो सकता है वो सही था? नहीं, मैं बताता हूँ उसमें क्या होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो 110% किसान को फायदा होगा ही होगा। भाई साहब कैसी बात करते हो आप, मान लेते हैं ये भाई हैं, इन भाई को हमने इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप अपनी जमीन, चूंकि आपकी है, मैं व्यापारी हूं, मैं जमीन नहीं ला सकता, मेरे पास पैसा है, मैं आपको पैसा दूंगा, आप अपनी फसल उगाइए और एक सीमित समय पर, जैसे ही साल भर होगा, 6 महीने होगा, 3 महीने होगा, मैं उसको आपको परचेज कर लूंगा, उसका जो बेनिफिट होगा वो पहले से ही ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में तय है। तो भाई साहब ये उसी हिसाब से पैसा खर्च करेंगे, एक 20,000 रुपये में भी सैलरी वाला काम करता है, 40,000 वाला भी करता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसके घर में 40,000 रुपये ही आने, 20,000 रुपये ही तनख्वाह आनी उसके, इसी हिसाब से वो अपने खर्चों को मैनेज कर लेता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर मान लीजिए इन्होंने आलू उगा लिया, आलू का आपने एक साइज तोल रख लिया, अगर उससे छोटा हुआ तो? भाई साहब जब एक बात आई, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं चूंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में रहा हूं तो इसे मुझे खुद पता है, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें बीज भी उसी आलू का ही पड़ेगा। अब चिप्सोना का आलू का मैंने बीज डाला, अब कोई नीम का पौधा थोड़ा, अगर फसल खराब हो गई तब? भाई साहब तो उसके लिए फसल बीमा तो ऑलरेडी है ही ना, वो जब मैंने, वो तो मेरा है। इस बार किसानों का बहुत गन्ना खराब हुआ, कितना मुआवजा? एक किसान का मुआवजा मिलता है, कोई किसान ये कह ही नहीं सकता मुआवजा उसको नहीं मिला, अभी तक मुआवजा मिला ही नहीं। एक मिनट, इसी बार की फसल में गन्ना बहुत ज्यादा खराब हुआ, और एक जगह का नहीं, मैं तमाम जगह का गिना सकता हूँ, अभी तक मुआवजा किसी को भी नहीं मिला। भाई साहब देखिए एक प्रारूप होता है हर चीज का, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक चीजों को, पहले क्या होता था कि हमने साहब पेपर ले लिए और एक बाबू ने दबा के रख लिया, अब हर चीज ऑनलाइन है, आप बाबू उसको एक सीमित समय के बाद नहीं रोक के रख सकता है, इस चीज को आप भी समझोगे ना, हम भी समझेंगे, ये चीज हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, किसने रोक रखा है उसके खिलाफ आप कार्रवाई के लिए डाल सकते हो, बहुत इजी, कहीं कोई दौड़ना भागना नहीं है, कहीं कोई छीना झपटी चोरी चकारी कुछ नहीं। साहब उनका कहना है कि किसानों को, किसान एकदम खुशहाल है, जो अगर फसल खराब होती है तो उसको मुआवजा दिया जा रहा है, और उनका यह भी कहना है कि जो तीन कानून वो लेकर आए थे अगर वो धरातल पर उतरते तो बेहतर हो जाता किसान। हाँ, ये मुझे नहीं मालूम ये कौन है, मैं नहीं जानता हूँ, फिलहाल ये धरातल पर जाके देखें गांव की जनता का क्या हाल है, ये 5 किलो गल्ला हम जाना चाहते हैं वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? गन्ना की पैदावार आधी हो गई, फसलों की पैदावार आधी हो गई, यूरिया खाद में नाइट्रोजन का पता नहीं रहा, कहाँ चली गई, लगाते हैं खेतों में बोते हैं फसल जोर नहीं करती है, जो हमारी कीटनाशक दवाइयाँ थी वो आज ऐसी स्थिति में आ गई है, कोई कीड़ा मरता ही नहीं उनसे, बताइए पैसा सब जाता है लेकिन कुछ नहीं होता है। जरा अमृता रोड पे जाकर देखो गंजन का हाल, 500 गाय है, 500 गाय का एक झुंड है, दूसरा नहीं। उनका कहना है कि गाय जो पाल रहे हैं उनको गाय का पैसा दिया जा रहा है पालने के लिए। एक मिनट, पूरा सवाल, उनका कहना है कि किसान पैसा लेने के बाद भी छोड़ देता है। सुनिए, किसी पालने वाले किसान को जिनके इन लोगों ने टैग लगवाए थे गायों के, गिनती करवाई थी, किसी को पैसा मिला हो, किसी के खाता में गया हो, ये दिखा दे, हम भी किसान हैं, गाय पालते हैं, हमारे किसी खाते में पैसा नहीं जाता है, अगर पैसा जाए तो एक की बजाय 10 पालू, पकड़ पकड़ के पालू। ये कह रहे हैं कि
हाँ एक मिनट चाचा, उनका कहना है कि मैं गाय पालता हूँ, मेरे पास आज तक एक भी रुपया नहीं आया। अगर वो गाय पालते हैं, अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो निश्चित रूप से पैसा आ रहा होगा, है ना। और मैं खाता उनका देखने नहीं गया हूँ, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार है। मैंने अभी एक बात उठाई थी कि हमारी सरकार ने यहाँ पे बड़ी रेल लाइन दी, लेकिन विपक्ष ने जो है जब अपना बयान दिया तो उसमें मनमोहन सिंह का नाम दिया। आप जब सपा के आदमी हैं तो आपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बता रहे हैं, आपके पास खुद का अपना प्रधानमंत्री नहीं है, आपका केंद्र में कोई अपना चेहरा नहीं है। हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी है, हमारा चेहरा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है। जब हमारे पास डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग जो है किसी भी धर्म निरपेक्ष के साथ काम नहीं कर रहे हैं। क्या क्या समस्या है? हवा आने दो। यहाँ शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा वो है, सरकारी अस्पताल नहीं है। आप बताइए इन बीजेपी वालों से कि यहाँ इन्होंने कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी उद्योग लगाया हो, आप पूछिए इनसे। आयुष्मान कार्ड बना आपका? मैं पूछ रहा हूँ क्या आयुष्मान कार्ड नहीं बना हमारा? उनका ये कहना है कि सरकारी अस्पताल की हालत ठीक नहीं है, आयुष्मान कार्ड की बात वो कर ही नहीं रहे। अस्पताल में जाके देखे तो आप ही लोग सुविधा ले रहे हैं, आज जाके देखिए लाइन में लग के आयुष्मान कार्ड बनता है, कैंप लगाओ, सबसे ज्यादा आप ही लोग मिलते हैं। कैसी बात कर रहे हो आप, नहीं मिलते हैं? अरे महाराज, उनका ये कहना है कि अस्पताल की व्यवस्था अच्छी नहीं है। सब सुविधाएं ले रहे हैं, 5-5 लाख लोगों को मिल रहा है अस्पताल में। कौन कह रहा है जो सुविधा ले रहा है वो कह रहा है सुविधा अच्छी नहीं है, ठीक है? आवाज शौचालय हो एक से। अच्छा ठीक है, एक मिनट, आपकी शादी होगी? बिल्कुल होगी। बच्चे हैं? बच्चे भी हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? हमारे बच्चे जो हैं अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपके बच्चे हैं? घर में तो बच्चे होंगे। कहाँ पढ़ रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में। आपके सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? कौन से वाले सरकारी में? गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज में। कौन से कॉलेज में? सरकारी स्कूल में है। अरे स्कूल का नाम तो बताइए। स्कूल का नाम बताइए। बक्तावरलाल में। हाँ और बताइए। अगर एक मिनट, गुस्सा नहीं। अगर सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी अच्छी है तो आपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजा? ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजा, ठीक है ना। जब आपको शिक्षा मिलनी है कहीं भी ले, ये नहीं है कि आप, जरूरी नहीं है कि आप टेम्पो में चले। आप जो कहो कि साहब आप हवाई जहाज में क्यों चल रहे हो, क्योंकि देखिए साधन हर तरीके के बने हुए हैं। नहीं, साधन तो हर तरीके के हैं। अगर एक बात बताइए आप, अगर प्राइवेट स्कूल की तरह सरकारी स्कूल होते तो क्या आप तब भी प्राइवेट में भेजते? देखिए ये आप मुद्दे से भटकाने वाली बात कर रहे हो, जैसे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री तो बन नहीं जाऊंगा। हर व्यक्ति का जहाँ पे जो दायरा वो वही रहेगा। आज मेरे पास प्रधानमंत्री और जिला मंत्री की बात ही नहीं। आज मैं सक्षम हूँ, मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, मैंने बच्चे को अपने इंग्लिश मीडियम। अगर सोचिए ना, सोचिए कितनी फीस देते हैं? सुनिए ना, कितनी फीस देते एक महीने की? मैं एक महीने की 4,000 रुपए फीस देता हूँ। अच्छा, अगर वही काम आपका 10 रुपए में 20 रुपए में 100 रुपए में हो जाता तो क्या 4,000 खर्च करते? अरे मैं खुद भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ भैया। मैं खुद भी साढ़े तीन रुपए महीने के हिसाब से जो है स्कूल में पढ़ा हूँ, है ना। और मैंने 3.5 रुपए महीने के हिसाब से मैंने जो है स्नातक। अभी तो सवाल यही है ना कि अगर आप 3.5 रुपए। हाँ एक मिनट भैया, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और वो इतने अच्छे थे तो फिर आपने अपने बच्चों को वहाँ क्यों नहीं पढ़ा? अरे बिल्कुल अच्छे हैं, आज भी अच्छे हैं। तो बच्चे जो हमारे यहाँ से इंटर कर लिया, इंटर के बाद जो हमें उनकी अच्छी शिक्षा देनी है और अच्छी शिक्षा देनी है, जैसे कि आपके जो है जो भी सरकारी स्कूल्स हैं। आपके बच्चे ने 12th कर लिया ना? 12th कर लिया, ठीक है ना। जब उससे पहले कहाँ पढ़े थे? 12th तक कहाँ पढ़े हैं? 12th तक हमारे बीसलपुर में सरस्वती विद्या मंदिर में। सरस्वती विद्या मंदिर क्या? एक बात बताइए, एक सेकंड। प्राइवेट स्कूल, लेकिन जो है क्या है कि वो सनातन धर्मी और एक नीचे स्तर का। अरे नहीं भाई साहब, एक सेकंड, उसको आप प्राइवेट स्कूल नहीं कहेंगे, ना ही तो वहाँ पे जो है इतनी बड़ी फीस है, ठीक है ना, ना तो वहाँ। अरे फिर वही बात, जिस तरीके से मंदिर, देखिए ऐसे तो फिर आप मंदिर कहते हो, मंदिर में आप पूजा करने जा रहे हो, सरकारी मंदिर में पूजा करने जाओ। नहीं, हाँ एक मिनट, हाँ रुको ना, और एक एक करके, रुको ना, ताऊ जी आए हैं, उनकी बात भी सुन लो, बड़ों की बात। इधर कैमरा, क्या कुछ समस्याएं नजर आ रही है 2024 में? हमें मुतमिन होकर निर्णय लेना पड़ेगा, देश किसके हाथ में सुरक्षित है इसका हमें निर्णय लेना पड़ेगा।
और योजनाओं को हमें आकलन करना पड़ेगा, किसी योजना अच्छी है किसकी बुरी है, देश को कौन सुखी रख सकता है, देश की जनता को कौन अधिकार दे सकता है, संविधान किसके हाथ में सुरक्षित है, लोकतंत्र किसके हाथ में सुरक्षित है। और बड़ा डिफिकल्ट चुनाव है ये, और इसमें बड़ा नेक टू नेक फाइट है कौन सत्ता में आएगा। एक और सवाल अभी हाँ एक मिनट अभी इधर किसी बच्चे ने मुझसे पहले वो सवाल किया था कि हमारे जो वर्तमान सांसद थे हैं अभी भी वरुण गांधी बहुत अच्छे थे और उनका रिकॉर्ड भी ये कहता है कि सबसे ज्यादा सांसदों में अगर किसी ने पैसा खर्च किया है सांसद निधि से तो वरुण गांधी ने किया, उनका टिकट क्यों काटा गया? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि टिकट क्यों काटा गया, ये पार्टी की अपनी नीति है और एक हम लोग एक परिवार के व्यक्ति है, जैसे कि पेड़ के अंदर जो है पत्तियां लगती हैं फल लगता है, ऐसे ही वो भी हमारे ही जो है पेड़ के हमारे श्रृंखला हैं, ठीक है ना। हमारे जो है देखिए उनकी माताजी को जो है टिकट दिया गया, माताजी ने मैं उन पर देखिए सबसे ज़्यादा काम उन्होंने किया, सबसे अच्छे सांसद की कैटेगरी में वो टॉप पर आते हैं, फिर जो अच्छा नहीं मैं आंकड़ा बता रहा हूँ अब जो सबसे अच्छे सांसद होने की कैटेगरी में है उसी को हटा दिया गया। देखिए माननीय वरुण गांधी जी आपने कहा कि वो अच्छे हैं, ठीक है ना, तो जैसे वो अच्छे हैं ऐसी उनकी माताजी भी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने भी माताजी तो पहले भी थी अभी भी हैं, नहीं नहीं मैं सिर्फ वरुण गांधी पर बात कर वही कहना चाह रहा हूँ, और वो अच्छे हैं तो पार्टी ने कहीं भी ऐसा नहीं करा है कि उनको ये कहा हो या उनका कोई ऐसा रिपोर्ट कार्ड तैयार करा हो कि वो गलत हैं या उन्होंने काम गलत करा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। उन टिकट क्यों काटा जाता है? ऐसा नहीं है कि वही तो पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्यों काटा जाता है, परिवर्तन दुनिया का नियम है। आप बताइए एक पेड़ पे बसंत में जो है पत्ते पुराने झड़ते हैं और नए लगते हैं तो क्या पेड़ बदल गया? आप एक बार बताइए पेड़ बदल गया क्या? यह पत्ती तो वही है ना, लेकिन जो पेड़ 12 महीने हरा रहता है क्या उसके पत्ते जबरदस्ती तोड़ते हैं? जबरदस्ती पत्ते नहीं तोड़े गए। ये सवाल मेरा नहीं, जनता का है। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी अच्छे थे, उनका टिकट क्यों काटा गया? आज भी हमारे परिवार के व्यक्ति हैं, उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया, जिस तरीके से आप लोगों ने खुद ही कहा है, जनता से जो बात आई है कि वो अच्छे थे तो अच्छे हैं, अच्छे थे और अच्छे हैं। किसान देखिए किसान आंदोलन का समर्थन उन्होंने किया था, 3 कानून जो किसानों को लेकर आए थे उनका विरोध उन्होंने किया था। नहीं नहीं कोई विरोध नहीं कर रहा उन्होंने, उन्होंने किया था, ये तो खुले तौर पर था विरोध उन्होंने किया, कोई विरोध नहीं किया और हमेशा वो भाजपा के मंच पे रहे। लास्ट टाइम जो है वो पीलीभीत में रेलवे के उद्घाटन में भी वो रहे, है ना, तो प्रधानमंत्री की रैली में नहीं थे, प्रधानमंत्री की रैली में नहीं थे, वो हो सकता है कि कहीं किसी जो है निजी काम में लगे हों, क्योंकि देखिए अभी आपने अगर कुछ दिनों पहले ही अगर पेपर पढ़ा हो तो उनकी माताजी ने खुद बयान दिया है कि वो कहीं पे जो है मतलब बीमारी से ग्रसित है अपने परिवार के साथ। अपनी के बाद तो उठा कि वो बीमार है कोरोना से, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि जो मुझसे मिले हैं भैया तुम भी चेकअप करा लो, तुम भी हो सकते हो, इस तरह की कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी, सिर्फ रैली वाले दिन ये पता लगता है कि एक मिनट कि रैली वाले दिन ये बताया जाता है कि वो कोरोना से पीड़ित है, तो अचानक से कैसे? ऐसा नहीं, अचानक से पीड़ित नहीं है। देखिए कोई भी बीमारी आती है, जब आपके अंदर बीमारी है आपको अगर कोई भी अगर दिक्कत होती है जब उसका आप परीक्षण कराएंगे तभी पता चलेगा कि आपको ये बीमारी है, ठीक है ना, और उनकी माताजी ने ये पहले ही कह दिया। आप समझे नहीं उसका जवाब ये था कि अगर कोरोना उनको था तो उन्होंने अपने मिलने वालों से इस बात की अपील नहीं की कि आप भी जांच करा ले, क्योंकि कोरोना में ये अपील की जाती है। वो जो है वो काफी टाइम से, देखिए आखिरकार वो अपने मिलने वालों से वो तभी तो कहते ना जब वो यहाँ होते, जब उनके यहाँ के लोग उनके साथ उस समय थे ही नहीं, उनका परिवार उनके साथ था, इसलिए उन्होंने अपने परिवार के साथ अपना परीक्षण कराया और अपने परिवार के साथ ही वो क्वारंटीन है, है ना, और वो पूरी तरीके से अपनी पार्टी, एक सेकंड रुक जा भैया, और वो पूरी तरीके से अपनी पार्टी और अपने जो है सम्मानित सभी वरिष्ठ जनों के साथ उनके निर्णय के साथ वो आज भी खड़े हैं, है ना, अपनी माता जी के निर्णय के साथ वो खड़े हैं। उनकी माता जी ने साफ कहा था कि वरुण जी जो है बहुत योग्य व्यक्ति हैं, जो करेंगे वो अच्छा करेंगे और देश की राजनीति की योग्यता पर सवाल तो कोई उठा ही नहीं रहा है। अरे भैया ये जानवर इतने हैं, रात रात भर गेहूं रखा हो यार, इसका सवाल हो गया, उसका जवाब मिल गया, उसका जवाब मिल गया। अब जनता ने जो भी मुद्दे अपने रखे, सारी बातों को, जिसमें आवारा पशुओं को लेकर समस्या थी, जिसमें किसानों ने और भी तमाम समस्याएं बताई, अपने बच्चों ने जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उन्होंने यूपी पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ उसको भी एक बड़ी समस्या बताया, साथ ही नाराजगी इस बात को लेकर भी दिखी कि वरुण गांधी का टिकट आखिर पीलीभीत से क्यों काटा गया। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क, कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ KK राणा, पीलीभीत।